ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों आपके भगवान राम नहीं है? इस वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लाश से मारते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था, इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था कि हर गली गली में अब्दुल और हर गली गली में मुल्ला परेशान है कि दोबारा मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए तो ये लव जिहाद नहीं चलेगा, ये घुसपैठिया नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुतबा नहीं चलेगा। हर हर महादेव, हनुमान जी की जय। आज हनुमान जयंती है, मंदिर के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपनी चुनावी यात्रा में, चुनावी भाषण में मतलब कि आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जो लोगों का धन इकट्ठा करके जिनके पास ज्यादा संतान है, ज्यादा बच्चे हैं, उनको धन देना चाहती है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आरोप तो नहीं लगा रहे, सत्य के आधार पर बात कर रहे हैं और तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अपने बातों को बहुत तहजीब के दायरे में बोला है, मुझे ऐसा लगता है तहजीब के दायरे में बोला है। ऐसा बोलना चाहिए था, बोलना ये चाहिए था कि मदरसे में बैठा मुल्ला और मुस्लिम गलियों में बैठा अब्दुल और जुग्गी में बैठा रोहिंग्या और बंगाल में बैठा घुसपैठिया और रोड पर चलता फिरता हमारे साथ अवेसी और राहुल बाबा का चमचा इसी अपेक्षा में बैठा है कि मोदी हटे और हिंदू कटे, मोदी हटे और फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम फटे। अच्छा। इसी अपेक्षा में बैठा है। हाँ। देखिए गांधी परिवार को, हाँ। नेहरू गए बाबर के कब्रिस्तान, हाँ। फूल चढ़ाने, हाँ। इंदिरा गांधी जी गई बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राजीव गांधी जी गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, राहुल बाबा 2005 में गए बाबर के कब्रिस्तान फूल चढ़ाने, लेकिन क्या राम मंदिर अयोध्या कभी गए माथा टेकने? बताइए, गए तो क्या माने हम इनको? हम इनको कांग्रेस बोले या मुस्लिम लीग बोले, बात तो एक ही है। मैनिफेस्टो पढ़िए, बात एक ही है। क्या कहा था पूर्व प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने? यासीन मलिक के साथ खाना खाते थे, जिहादियों के साथ, आतंकियों के साथ, जंगजू के साथ, और डिनर कर करके, और क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्यों? क्यों हम बापूजी की बात को कब तक मानेंगे? जो बापूजी ये कहते थे कि 7 करोड़ मुसलमान से उनको मोहब्बत है, पर भारत के 82.7% सनातनियों को उन्होंने भारत की ताकत कभी नहीं समझी और ना ही बापूजी ने अपनी ताकत समझी। हम उस नेहरू को नहीं मानेंगे, हम उस गांधी परिवार को नहीं मानेंगे जिसने हमारे अखंड भारत का टुकड़ा किया, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने लियाकत और जिन्ना के हाथ में हमारा पीओके दे डाला, हम उसको नहीं मानेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है और 20 बच्चे वाला तो सब्सिडी ले ही रहा है। मुद्रा योजना तो मैंने मुसलमान बेटियों के घर में पहुंचाया है, जनधन योजना तो मैंने पहुंचाया है, गैस तो मैंने पहुंचाया है मुसलमानों के घर में। और आज अगर मोदी जी सत्य के आधार पर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लग रहा है। जनता बात कर रही है, ये जो बाहर उधर प्राचीन हनुमान मंदिर पे जो आप हनुमान भक्तों को देख रहे हैं ना, ये किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग को देंगे? चलिए तो पूछते हैं आपके साथ, चलिए मेरे साथ, और एक एक से पूछिए कि मुस्लिम लीग को वोट दीजिएगा, जिन्ना के मानने वाले को वोट दीजिएगा, बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने वाले को वोट दीजिएगा, या उसको दीजिएगा जिसने राम लाया, जिसने वेटिकन सिटी बनाया? राम कौन ला? जो राम ला सकता है, भगवान को ला सकता है। देखिए भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम हम जैसे मुसलमानों के भी मन मन में है और कण कण में है। जिस तरह हनुमान जी के बिना भगवान राम जी नहीं रह सकते, भगवान राम जी के बिना हनुमान जी नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह ये भारत देश मोदी जी के बिना नहीं रह सकता और मोदी जी इस भारत देश के बिना नहीं रह सकते। याद रखिएगा इस बात को, पूरा 24 में गायब कर देंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, सब देख लेना कि मोदी कहां जाएंगे। कांग्रेस
जो है ना वो फुटपाथ का और गली नुक्कड़ का पार्टी बन चुका है। हाँ। अब दो चार पार्षद और काउंसलर बचेगा। अच्छा। इसके अलावा 24 के बाद हाँ। इटली की फिरंगी औरत और वाडरा जो घर जमाई बनकर बैठा है हमारे कलेजे पे हमारे टैक्स के पैसे पर वीवीआईपी सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहा है। मैं वाडरा परिवार के बारे में बात कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि लोटा कंबल लेकर के दोबारा इटली का सफर करना पड़े, ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती थी कि जो दलितों का हक है, जो अल्पसंख्यक जो दलितों का हक है, जो ओबीसी एसटी से सब आते हैं उनका हक है, उसको मुसलमानों को देना चाह रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दी, इसलिए उनका मंशा पूरा नहीं हो पाया। तो क्या कहना चाहेंगी इस पे, आपकी क्या सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। संविधान पढ़ा है आपने? देश के नागरिक है ना, युवा है ना, संविधान पढ़े हैं। आर्टिकल 25 कौन लाया था? नेहरू लाया था। कन्वर्शन को मान्यता किसने दिया? नेहरू जी ने दिया। किसका कन्वर्शन इस देश में हुआ किसको पता नहीं है, सबको पता है। आर्टिकल 28 और 30 ला करके आपकी मंदिरों का पूरा बागडोर नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया, लेकिन बगल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा था, दारुल उलूम चल रहा था, जमायतुल उलमा हिंद चल रहा था, उसको क्यों नहीं बंद करवाया, उसका कंट्रोल क्यों नहीं नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया? जब देश संविधान से चल रहा था तो फिर देश को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहां से जरूरत आन पड़ी? ये क्या पाकिस्तान है? ये क्या सीरिया है? ये क्या अफगानिस्तान है? ये भारत है। भारत संविधान से चलेगा। क्या कहा था अंबेडकर जी ने? कहा था कि इस बंटवारे को और इस आजादी को हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक सारे मुसलमान भारत से यहां से पाकिस्तान न चले जाएं, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। और हम अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए इन तमाम सनातनियों का कि मुसलमान बेटियाँ तो सुरक्षित हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस की ही नेहा सुरक्षित नहीं बची, फैजान ने जा करके काट दिया। अब बताइए मैंने कहा ना कि हर गली गली में अब्दुल और हर गली गली में मुल्ला परेशान है कि दोबारा मोदी जी अगर थर्ड टर्म में आ गए तो ये लव जिहाद नहीं चलेगा, ये घुसपैठिया नहीं चलेगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुतबा नहीं चलेगा, ये फलसफा नहीं चलेगा, और ये जितने भी ये लोग निकालते हैं तो ये सब नहीं चलेगा। अब देखिए ना, हैदराबाद में माधवी लता जी बिचारी राम नवमी में भगवान राम के आदर्श में और जज्बात में उनकी भक्ति में उन्होंने त्रिशूल चलाया, मस्जिद को कपड़े से ढक दिया गया था, असदुद्दीन अवैसी लेकर उड़ गए, अरे देखो मस्जिद में त्रिशूल चलाया जा रहा है। चलिए अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर अवैसी साहब को माधवी लता के त्रिशूल चलाने से इतनी दिक्कत हुई तो ये जो 77 साल से सारे रोड को ब्लॉक कर करके नमाज पढ़ा जाता है उसको किसको तकलीफ दिया जाता है, मतलब सनातनियों को दिया जाता है? ये जो लाउड स्पीकर लगा करके हिंदू गलियों में और हिंदू घरों में भी जो अजान की आवाज पहुंचाई जाती है ये किसको तकलीफ दिया जाता है? सनातनियों को बोलते हैं ना कि मंदिर की संख्या ज्यादा है, मस्जिद संख्या कम है। अजान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, अल्लाह के अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को लाउडस्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों आपके भगवान राम नहीं है? पर अजान 5 वक्त ये बोलता है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह के अलावा तो कोई खुदा और भगवान ही नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भारत की धरती पर मैं नमाज तो आप भी पढ़ती हो तो आपको तो सुनिए, मैं कहीं भी मुसल्ला और जा नमाज बिछा करके ना नमाज नहीं पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के लिए मेरा घर है। हाँ। और नमाज पढ़ने के लिए मर्दों के लिए 3 लाख से ऊपर यहाँ मस्जिदें जो है वो नेहरू साहब बना के गए हैं। हाँ। तो काहे नहीं उसमें पढ़ रहे हो जा करके? यही अवैसी कहता है, नौजवानों हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह की सदाएं सुनो और मस्जिद जाओ। तो मस्जिद कैसे जाएगा? आप लोगों को और सनातनियों के जज्बात से खेलने के लिए रोड पे नमाज पढ़ता है, रोड पे। इन लोगों को कोड़े मारने चाहिए जैसे अरब में मारा जाता है, इन लोगों को जेल बंदी कराना चाहिए जैसे अरब में कराया जाता है, कानून सख्त होना चाहिए और मुसलमानों से खड़े होकर के पूछना चाहिए इस्लाम मानोगे या संविधान मानोगे। दिल्ली से वीडियो सामने आई थी जिसमें पुलिस वाले को देखा होगा आपने, लात से मारते हुए दिखाई दिया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मारना चाहिए था, गलत किया, कोड़ा मारना चाहिए था।
इस्लामिक पनिशमेंट देना चाहिए था, गलत किया, लात काहे मारेगा मुसलमान को, लात काहे मारेगा, कूड़ा मारेगा गलती करेगा तो इस्लाम के हिसाब से जो पनिशमेंट और जो सजा इस्लाम में मुकर्रर किया गया है, अल कुरान में मुकर्रर किया गया है, उसी को बोला जाएगा, उसी को अभी आप मेरे को गंदी नजर से देखेंगे तो आपको मैं ईव टीजिंग के केस में मैं जेल भेजवाऊंगी। लेकिन अगर आप सुमित नहीं, आप मुसलमान होते, आप कोई अब्दुल होते, आप राशिद होते, आप सलीम होते, आप मेरे को गंदी नजर से देखते तो सीख लेकर के मैं आपका आंख निकाल देती। ये है इस्लामिक पनिशमेंट। होता तो नहीं है कहीं, इस्लाम को मानने वाले ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जाली मुसलमान है सब, ये जाली मुसलमान है, ये लोग असली मुसलमान नहीं है। अच्छा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो करके आप लोगों का जो पेशेंस है ना, पोलाइट नेचर है ना, ह्यूमैनिटी को आप लोग आगे रखते हैं ना, उसी से खेल रहा है। आज टाइम की नमाजी होते हैं, नकली कैसे हो जाएंगे? अच्छा जी, रोड पर नमाज हो सकती है, कैसे हो सकती है? जब मस्जिद अल्लाह का घर खुला है तो कहे नहीं जा रहे हो मस्जिद में जी। 5 वक्त नमाजी होने से कोई पक्का मुसलमान हो जाता है? अरे हम जब मक्का जा करके उमरा और तवाफ करते हैं तो मर्द और औरत साथ में करते हैं तवाफ। मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में मर्द और औरत सब साथ में तवाफ करते हैं। अच्छा। करते हैं ना। यहाँ मस्जिद में मर्द और औरत साथ में पढ़ती है नमाज? नहीं पढ़ती है। फ्लाइट जैसे ही अरब जाता है ये पक्के मुसलमान हो जाते हैं, फ्लाइट जैसे ही आता है भारत ये कच्चे मुसलमान हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी ने भी बयान दिया, वो बोल रहे हैं कि देश के अंदर राहुल गांधी आएंगे तो सबका एक्सरे कराएंगे, एक्सरे कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अल्पसंख्यक के साथ में कौन खड़ा है। नहीं नहीं, इसमें इसमें ये भी बात मोदी जी ने बहुत सत्य के आधार पर बोला है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, हिंदू माँ बहनों के साथ संदेश खाली में नरसंहार जेनोसाइड वस्त्र उतारे गए ना, हिंदू माँ बहनों के उतारे गए ना, देख देख करके हिंदू माँ बहनों को नोचा गया ना। कौन नोचा? शेख शाहजहां नोचा ना। 1989 से 1991 तक कश्मीरी बेटियों का नरसंहार जेनोसाइड किसने किया? यासीन मलिक, लश्करे तैयबा और पाकिस्तान से ऑर्डर करती थी बेनजीर भुट्टो, और उसी यासीन मलिक के साथ बैठ करके मनमोहन साहब जो है वो खाते थे खाना, डिनर करते थे। देखिए, मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के नाक के नीचे कश्मीरी पंडितों को का हक उनसे छीन लिया गया, उनको घर से बेघर कर दिया गया, उनकी अपनी जमीन से उनको निकाल दिया गया, और अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार देखता रह गया क्योंकि उसमें उसका हाथ था। तो इसलिए अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो जितने युवा यहाँ पर हैं सुन ले, आप लोगों से जबरदस्ती शरिया मनवाया जाएगा, आप लोगों से जबरदस्ती इस्लाम मनवाया जाएगा, आप लोगों को राम से रहीम बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बात नाजिया इलाही खान बोल रही है, मैं मुसलमान हूँ। अगर कांग्रेस आई तो बिल्कुल हर राम को रहीम बनाने का कोशिश किया जाएगा। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और बोली, उन्होंने वो बोला कि बोल रहे थे कि जितने भी लोग हैं देश के लोग हैं, कांग्रेस आएगी तो सबका पैसा लूट के जो घुसपैठियां हैं ना उन घुसपैठियों को देना चाहती है। आप तो पश्चिम बंगाल से आती हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठियां आते हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर? पश्चिम बंगाल का सिर्फ बात कीजिएगा, आपके दिल्ली में अमानतुल्ला 10-10 हजार का गड्डी नहीं देता था क्या घुसपैठियों को, रोहिंग्या को? गर्मी में कूलर भी पहुंचाता था। असदुद्दीन अवैसी का 2 नेता क्या अरेस्ट नहीं है? किस चीज के लिए अरेस्ट है वो लोग? सवाल वही है ना, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो क्या कर रहे हैं, क्यों घुसपैठियों को अंदर ले रहे हैं भारत के? लो भैया, सीए जैसे ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सबको दर्द होने लगा, क्योंकि सबके बोगस वोटर्स जो है वो अब बॉर्डर के उस पार जाने के लिए है, और हमारे जो सनातनी है वो इस पार आने को है। यही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है जो अभी जेल की सलाखों में और हिरासत में बंद है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सीए इम्प्लीमेंट किया है और जितने भी हिंदू आएंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, भारत देश में बलात्कार बढ़ेगा, चोरी और छिनताई बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर उन्हीं की पार्टी का अमानतुल्ला मुसलमान, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर के आया, तो कितनी श्रद्धा कटी, कितनी साक्षी कटी, कितनी नेहा कटी, इसके बारे में बात नहीं किया। देखिए, विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी ने पॉलीगेमी किया,
है। अच्छा। जैसे एक मुसलमान मर्द चार शादियां करता है ना, वैसे ही राहुल गांधी ने 28 पार्टियों के साथ शादी की है। अच्छा। कैमरा के सामने सब एक सुर में गाते हैं, जैसे ही कैमरा हटता है सब एक दूसरे का बाल नोचते रहते हैं। अखिलेश यादव को कभी मत भूलिएगा, बड़े बड़े मीडिया चैनल पर खड़ा होकर के बोला था और चिल्ला चिल्ला करके कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव उनके पिता बोलते थे मुलायम सिंह यादव कि लड़कियां अगर टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल ही जाएगा, गलती हो ही जाएगी। बोला था ना भाइयों, मुलायम सिंह यादव ने बोला था ना, ठीक है। अखिलेश यादव ने ये बात भी कही थी कि अखिलेश यादव और डिंपल पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जितने राम और हनुमान जी के भक्त हैं, कल फिर चरण है, कल फिर वोटिंग है, राम के मैं होना है और हर सनातनी को साबित करना है कि अगर देश की तरक्की चाहिए तो कमल का बटन दबाना है, अगर मोदी चाहिए तो कमल का बटन दबाना है, अगर पीओके चाहिए तो कमल का बटन दबाना है, अगर देश की बेटियां सुरक्षित चाहिए तो कमल का बटन दबाना है। मोदी पे आरोप भी लग रहा है, मोदी को लोग डरपोक प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, बेशरम प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं पहले फेज की जो वोटिंग हो चुकी है उससे मोदी पूरी तरह से बौखला चुके हैं क्योंकि उनको हार दिखाई दे रहा है। अच्छा। पहले फेज में हार चुके हैं। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल की बीवी ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था अपने पति परमेश्वर को गाली दिलाने के लिए, सबने गाली दिया होगा, सबने, तो क्या राहुल बाबा ने भी कोई व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया है जो सब कोई फोन करके उनको बोल रहा है कि हम मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं। ये सब बोगस बातें और बोगस वोट। ये राहुल बाबा जो अपने आप को आज तक बादशाह समझता है, वो अपने अपने पॉकेट में रखे, देश की जनता बहुत चालाक हो चुकी है, बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, बच्चा बच्चा मेड इन इंडिया और वेड इन इंडिया जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ इस देश के लीडर नहीं है, ग्लोबल लीडर है और लोग उनको सर मत्थे रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है, इनका सोशल साइट देखिए, इन्होंने लिखा होगा मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो ये देश मोदी जी का परिवार है, देश की मुसलमान बेटियां और देश के सनातनी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को वोट करेंगे। इसके अलावा राहुल बाबा का इटली का टिकट मैं कटवा दूंगी।